नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लिया सीएम धामी ने। इस बैठक में उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा कई योजना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने सशक्त उत्तराखंड के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड एट 25 मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की GSDP को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शिरकत की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तस्वीर आपको देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल है, मध्य प्रदेश के यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद हैं, इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिनके धंधे बंद करा दिए हैं उनको पेट में दर्द होगा। मनवीर के अनुसार कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन कामों की बुराई करना रह गया है। और कांग्रेस की ये परेशानी आज से नहीं है, उनकी परेशानी 2014 से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से लगातार सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश को लूटने और खसोटने का काम किया गया, वो लूट और खसोट मोदी जी के द्वारा बंद की गई। इसी कारण उनकी दुकानें जो बंद हुई, उसी वो परेशानी उनकी सामने आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि देश कमान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में कीर्तिमान देश का बढ़ रहा है और इसी कारण केवल कांग्रेस परेशान है। दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से हिंदुत्व का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से देश में हिंदुत्व हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर अभी हिंदुत्व बचा है तो ऐसे संत महात्माओं से बचा हुआ है जो हिंदुत्व को बचाने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि ये बयान गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मुलाकात के बाद दिया था। हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है और आज एक झूठ है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता हूँ और जो अनुभव आपके हैं कि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप जाते हैं, जिस प्रकार से आज मुस्लिम कंट्रीज लगातार हर फ्रंटियर के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही है, फ्रांस में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे में हमको सजग रहना होगा और ऐसे संतों के मार्गदर्शन में हमें काम करना होगा और जो हम लोग बटे हुए हैं हमको एकजुट होना होगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर बीजेपी खासा उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि वो जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा हर महीने में उनके लिए लाभदायक है। जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। देश को जिस तरह से विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र को, सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की जरूरत है। कोई जरूरत है नरेंद्र मोदी की? जिस तरह से
चाहे विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान की बात होगी, आर्थिक क्षेत्र होगा, सुरक्षा का क्षेत्र होगा, युवाओं के कल्याण का होगा, महिलाओं के कल्याण का होगा, या आंतरिक सुरक्षा का सवाल होगा, तमाम मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्वितीय काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। और इसलिए देश जब आज दुनिया की 10 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनकर आज भारत उभर कर आया है, तो मैं समझता हूँ कि भारत को एक बार फिर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, ताकि देश और तेज़ी से आगे बढ़ सके और देश बहुत मजबूती के साथ विश्व पटल पर खड़ा हो सके। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार में बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल बसपा के वरिष्ठ नेता अमित खेड़ी ने भी बसपा को अलविदा कह दिया है। बीजेपी का दामन थाम लिया। अमित खेड़ी ने अपने 500 से अधिक समर्थकों के साथ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। तो अमित ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अलविदा कह दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निशंक महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। लक्सर से खबर, हरिद्वार बसपा को झटका लगाया और बसपा को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अमित खेड़ी ने बसपा को अलविदा कह दिया है। अमित खेड़ी ने बसपा छोड़ भाजपा का दामन थामा है। इसलिए आज सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आज सम्मिलित हुई है। मैं उनको अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो भी हमारे बीच है, सबको भारतीय जनता पार्टी सदस्य। आज पार्टी की अच्छी नीतियों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ 500 आदमियों के साथ, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसकी बखूबी निभाया जाएगा। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की तरफ से किए गए आर्थिक अपराध शाखा संबंधित बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गणेश गोंदियाल अपनी हार नहीं पछा पा रहे हैं। दो बार हार का सामना करने के बावजूद भी गणेश गोदियाल इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जो बताता है कि कांग्रेस के नेता और कितने हताश और निराश हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में ना आना है, ना ही इस प्रकार का कोई कानून बनाना है। गणेश गोदियाल जी ने अगर सब लगाकर खुद अपने सरकार पर प्रश्न लगा दिया है, और जहां तक गणेश गोदियाल जी और धन सिंह रावत जी का विषय, तो हार पचाने का नेचर भी होना चाहिए। दो बार हार गए हैं, तीसरी बार हारने की तैयारी ना करें। देहरादून में नर्सेज की पदोन्नति और अस्थायी नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नर्सेज संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग से कार्यमुक्त कर दिए गए कर्मियों की समस्याओं का निदान हो गया है। वहीं पद और वेतन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों ने 25,000 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया है। इस मौके पर जिला प्रशासन और सेवा योजन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जहां एक ओर सरकारी भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर दिए जा रहे हैं। तो हल्द्वानी से खबर, जहां पर राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुभारंभ किया है और इसके साथ साथ 2500 पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मंत्री अजय भट्ट ने किया। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं, उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं।
मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोज़गार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोज़गार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोज़गार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं, और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोज़गार रह ही नहीं सकता है। आपने देखा है कि कई लोगों ने तो अपने हाथ से अपने उद्योग खोल के रोज़गार लोगों को दिए हैं, यानी कि रोज़गार देने वाले बने हैं। अभी हमने जो सरकारी रोज़गार दे दिए हैं 5 चक्र तक, अभी तक अपॉइंटमेंट हो गए हैं, 3,59,000 लोगों को रोज़गार मिल चुका है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। वहीं हम सरकारी स्कूलों की जब बात की जाए तो नज़र आता है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है, और इसी कमी को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं कि कब जाकर शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसी के जवाब में महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें NIOS और DLED को लेकर के प्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हम लोग नियमावली संशोधन करने पर चर्चा हुई है कि नियमावली को संशोधन करके जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश के अवहेलना भी न हो और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, उस दिशा में हम लोग एक प्रस्ताव बना रहे हैं। प्रस्ताव बना करके जो प्राथमिक के पद रिक्त हैं उनको हम लोग शीघ्र उनकी भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेक्चरर हैं, प्रवक्ता के लगभग 3,000 पद खाली हैं, उनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसकी भर्ती शुरू करने वाले हैं। LT के लगभग 200 पद हैं जिसका हम अध्याचन भेजेंगे अधीन सर्वोच्च न्यायालय को। पदों की गणना और अध्याचन हमारा तैयार है। इस बीच कार्य विभाग से एक शासनादेश होना है जिसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए चिन्हीकरण करना है कि कौन कौन से पद किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं, वो चिन्हीकरण हमने कर लिया है। तो जैसे ये शासनादेश होगा हमारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जोशीमठ प्रखंड के सीमांत बॉर्डर क्षेत्र नीली पास को जोड़ने वाला एकमात्र बुरांश कैलाशपुर पुल 40 दिन बाद भी नहीं बन पाया है, जिससे अब नीति घाटी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आलम यह है कि वाइब्रेंट विलेज नीति समेत अन्य गांवों को ये ऋतु प्रवासी ग्रामीणों को अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए मूल गाँव में आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद में है कि आखिर कोई तो आएगा उनको नदी पार करके उनके मूल गांव भेजने के लिए। पुल के टूटने से नीति घाटी के बंपा, गमशाली, नीति मेहर, फरख्या समेत आधा दर्जन से अधिक के दूसरे ऋतु प्रवासी गांव का संपर्क जोशीमठ मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। नीति घाटी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रधान कागा गर्पक पुष्कर सिंह राणा ने बताया कि नीति घाटी को माइग्रेट करने वाले परिवारों की जान जोखिम में डालते हुए BRO और प्रशासन की तरफ से एक JCB मशीन में बैठा कर उनको आर पार कराया जा रहा है। उधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव हैं सुशांत पटनायक, जो रामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। वन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यावरण संरक्षण और सफाई को लेकर रिसोर्ट मालिकों के साथ बैठक उन्होंने की। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पर्यावरण संरक्षण एवं नदियों की सफाई को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से उत्तराखंड के कई इलाकों में निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने रिसोर्ट मालिकों को गाइडलाइन की जानकारी दी और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। पर्यावरण सफाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव रामनगर पहुंचे, रिसोर्ट मालिकों के साथ उन्होंने बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर बनाई जा रही मजारों को हटाने का अभियान चल रहा है। अभी तक उत्तराखंड में जहां 370 से अधिक मजारें हटाई जा चुकी हैं, वहीं वन भूमि पर अवैध रूप से बने 45 से अधिक मंदिरों को हटाया जा चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को सितारगंज उपवन प्रभाग के अंतर्गत उत्तरी जोलासाल वन रेंज में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई 2 धार्मिक संरचनाओं को JCB की मदद से तोड़ डाला। प्रशासन के द्वारा धार्मिक संरचनाओं को तोड़े जाने के दौरान धार्मिक संरचनाओं के नीचे किसी भी प्रकार की कोई
मानवीय हड्डियां नहीं मिली हैं। उधर खटीमा में अवैध मिट्टीकरण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीओ खटीमा के नेतृत्व में अवैध मिट्टीकरण के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़ी गई सभी 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ भी अवैध खनन का मामला दर्ज किया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। यूपीएससी में 348 रैंक हासिल करने वाले हिमांशी सावंत और कक्षा 12वीं में 92.60% अंक हासिल करने वाले नेहा प्रजापति को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दोनों प्रतिभावान विद्यार्थियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपीएससी परीक्षा में मसूरी विधानसभा के अंदर आने वाली देहरादून निवासी हिमांशी सावंत को 348 रैंक हासिल कर देहरादून के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया। देहरादून के साथ ही हिमांशी सावंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शामली में तहसीलदार पद पर तैनात हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 2 से 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 30 मई से 1 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि 30 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश भर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। जानमाल का नुकसान ना हो इसको लेकर भी सभी को हिदायत बरतने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए हैं। जसपुर के पतरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का फिर से बुलडोजर चला है। दरअसल पतरामपुर में सरकारी रास्ते से अवैध अतिक्रमण हो रहा था, जिस पर एसडीएम जसपुर के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। अतिक्रमण के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, जिसमें तीखी नोकझोंक भी हुई है। साथ ही इस दौरान विरोध कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान एसडीएम ने जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने को लेकर 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसे हटाने पर प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। अब बात लक्सर की होगी, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार हो रही दुर्घटनाओं और झगड़े फसाद तथा संक्रामक बीमारियों को लेकर सर्वधर्म समिति की तरफ से हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और नगरपालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने कहा कि हर नगर गांव और बस्ती के क्षेत्रपाल भूमिया खेड़ा, जिसे ग्राम देवता भी कहते हैं, उनकी मौजूदगी से हर संकट से रक्षा होती है। और अब खबर राजाजी नेशनल पार्क से है, जहां पार्क के कांसरो रेंज में पार्षद के शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्षद के साथ वन विभाग का पूर्व अधिकारी भी नजर आ रहा है। बता दें कि पार्क का यह जोन बेहद संवेदनशील है, यहां किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। राजाजी नेशनल पार्क पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न मामलों को लेकर विवादों में चल रहा है। पिछले दिनों एक बाघिन को छोड़े जाने के दौरान उन्हें हाथियों से बढ़ाने का भी वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर राजाजी निदेशक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बात हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी रामनगर मार्ग के समीप स्थित बाल सुंदरी मंदिर के पास जंगल किनारे 2 दर्जन से अधिक बंदरों की मौत हो चुकी है। यह रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है कि जिस कारण लोगों में प्रशासन के खिलाफ जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ कुंदर कुमार ने कर्मचारियों की एक टीम को भेजकर जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बंदरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन कोई समाधान न होने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ के आरोप लगाए और मामले में ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने मामले में विरोध जताया और कार्रवाई की मांग कही है। 1 दर्जन से ज़्यादा बंदरों की मौत हुई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश भी देखने को मिला। पुलिस को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की बात कही गई है।
देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।